वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। आजमगढ़ जिले में अखिलेश यादव की रैली में बुधवार को भी जमकर हंगामा हुआ। अनियंत्रित भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने जनसभा में जमकर बवाल काटा। इससे पहले मंगलवार को भी अखिलेश यादव की जनसभा में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। बेकाबू कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद भी कार्यकर्ता शांत नहीं हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ लोकसभा में प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार करने के लिए बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव गोपालपुर और सदर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं का जोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़कर मंच की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर लगे पर्दों को फाड़ दिया। जिससे वहां पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने किसी तरह से मामले को संभाला। सपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी। इसके बाद कार्यकर्ता वहां से भागते हुए पुलिस पर पत्थर चलाने लगे। आजमगढ़ लोकसभा हो या लालगंज लोकसभा, भदोही हो या प्रयागराज, अखिलेश यादव की जनसभाओं में भीड़ तो खूब उमड़ रही है, लेकिन इन रैलियों में जमा हो रही भीड़ को काबू कर पाना प्रशासन के लिए भी मुश्किल का सबब बन रहा है। तो वहीं सपा नेता और आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, इसे सरकार बदलने का उत्साह और यूपी के शासन प्रशासन की तरफ से सही तरह से सुरक्षा ना दे पाने का कारण बता रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह तो अपनी जगह है और सरकार को बदलने का उत्साह है। साथ ही साथ जो मैं महसूस कर सकता हूँ, ये यूपी का शासन प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी जो रिक्वायर्ड है ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस एल आई यू की रिपोर्ट्स नहीं है इनके पास, सभी रिपोर्ट्स रहती हैं कि किस कार्यक्रम में कितने लोग जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित पूर्व घोषित कार्यक्रम है, प्रोटोकॉल जारी है, तो जो मापदंड के हिसाब से सिक्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं की है। उधर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की जनसभाओं में भीड़ के कोहराम पर पीएम मोदी ने भी चुटकी ली है। बुधवार को ही श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इनकी रैलियों में कांग्रेस सपा वाले लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए तो लोग भागकर मंच पर पहुंच गए। साथियों, कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे, तो मैंने पूछा भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। आपको बता दें कि बुधवार को आजमगढ़ और मंगलवार को लालगंज के अलावा भदोही के अलावा रविवार को प्रयागराज में आयोजित सपा कांग्रेस की साझा रैली में सपा समर्थकों ने खूब हंगामा किया था, जिस कारण अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जनसभा को संबोधित किए बिना ही लौटने को मजबूर होना पड़ा था। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।